ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। जिला सहारनपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के अध्यक्ष सागर गौतम व उनका प्रतिनिधि मंडल आज जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह जी से मिला व उन्हें छात्रों के हितों के लिए एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें SFI अध्यक्ष सागर गौतम जी ने बताया कि इस ज्ञापन में हमने कोरोना महामारी के दौरान में परीक्षाएं निरस्त करने और छात्राओं को प्रमोट हुए छात्राओं की बकाया छात्रवृत्ति को जल्द ही प्रदान करने को लेकर ज्ञापन दिया है। SFI प्रतिनिधि मंडल में SFI अध्यक्ष सागर गौतम, सागर कुमार कार्तिक, अजीत सिंह, सत्येंद्र बौद्ध, शिवम धारीवाल, सौरभ आदि मौजूद रहे। अभी जो UGC द्वारा फैसला लिया गया है परीक्षाएं कराने का, हम पूछना चाहते हैं क्या कोरोना जैसी इस महामारी के बीच पेपर कराना उचित होगा? अभी हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है और हमसे फीस के नाम पर वसूली की जा रही है। इस लॉकडाउन में हमारी कमर तोड़ दी गई है, हमारे पास कोई साधन, ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे हमारे पास कमाई, छात्रवृत्ति हमारी जो आती थी उससे हम फीस जुटा पाते थे और वो स्कॉलरशिप भी हमारी बंद कर दी गई है। हम पूछना चाहते हैं क्या यही छात्रहित है? हमारी मांगे, हम चाहते हैं बिना परीक्षा कराए सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि हरियाणा और सभी राज्यों में SFI ने ये सभी मांगे पूरी करवा ली है और हम चाहते हैं यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की जितनी भी परीक्षाएं हैं ये रद्द की जाए और बच्चों को प्रमोट किया जाए।